तो सलाम सत श्रीकाल अथा कैसन बाणी जा रहा हूँ सभी। तो सर आज के प्राइम टाइम रोवा लोग देखे चालू कर दे बनी और आज के प्राइम टाइम में हम बतावे वाला बानी बहुत ही खास खास खबर और वो भी बताएं कैसे उत्तर प्रदेश में मात्र एक ही ऐसा हाल बा जौन में बड़का बड़का फिल्म लोग पोस्टर और फोटो वायरल कर लन जाए हमके ना बुझाला। तो आज के प्राइम टाइम में सच में खास बाटे अंत तक देखो मजा आवे वाला बाटे। तो चली एगो काम करी चैनल बनाए बानी तो सब्सक्राइब करी बेल आइकन घंटी जरूर दबाई बाकी संग मित्र द्वार दयात संग भी शेयर कर दी कहें कि भोजपुरी सिनेमा के ऊपर एकलौता प्राइम टाइम ई बाटे। चलिए तो आज के प्राइम टाइम के खास खबर बाटे सबका बाप अंगूठा छाप। हाँ सबका बाप अंगूठा छाप दिनेश लाल निरहुआ के ई फिल्म के कुछ शूटिंग के हिस्सा बाकी रहल हुए कुछ सीन जौना के फिर से दोबारा शूट चालू कर दिल गुल बा इलाहाबाद में। हाँ आजकल प्रयागराज हो गया तो इलाहाबाद वाला प्रयागराज में फिर से दोबारा से शूटिंग चालू कर दिल गुल। तो फाइनली सबका बाप अंगूठा छाप ये बहुत ही खास और यूनिक्स फिल्म खोल भी कहें कि दिनेश लाल निरहुआ कि अक्सर न गंवार टाइप के रोल करे में उनका एक बहुत ही मजा आवेला और उनका डायलॉग्स भी बहुत ही यूनिक बा। जैसे कि राजा बाबू में वो एगो डायलॉग्स यही टाइप के मरल रहो कि हमने कि गांव के नेता लोग बड़का बड़का काम कर दल जाए लेकिन हम तो ओहनियो लोले मतलब पाँचवीं फेल बन मतलब ये तरह के डायलॉग मारे में वो बहुत माहिर हन बहुत ही कमाल से बोल रहे। तो कुछ ए फिल्म में का ऐसा सीन देखे के मिली फिर से उनको यूनिक्स वाला एक्टिंग देखे के मिली जौन के देख के दर्शक बोलक बहुत ही मस्त जवान एक्टिंग करते थे। तो अब देखे बटे का ऐसा होला या ना होला वो तो वक्त और समय बताए। तो फाइनली फिल्म के मतलब कुछ हिस्सा जौन बाचा रहा जौन के प्रयागराज में शूट कैल जात बाटे बाकी डायरेक्टर बाढ़ पराग पाटिल और पराग पाटिल के डायरेक्शन में दिनेश लाल निरहुआ कितना खतरनाक वाला काम करके दिहन वो तो वक्त आई तो पता चले। फाइनली उनकर फसल फिल्म का भी शूटिंग चल रहा भी है आ वही बीच में एकरा के भी निकाल बहुत जरूरी रहा जौना के कम्प्लीट कल जात बा। असल में स्टार कास्ट में दिनेश लाल निरहुआ अक्षरा सिंह संजय महानंद और कुछ और भी स्टार कास्ट दिखे जे के नाम अभी अनाउंसमेंट नहीं कल गई। तो फाइनली अब हमने के अगला खबर की तरफ जी उ बाटे द पवन सिंह के फिल्म बॉस मतलब बॉस फिल्म बॉस नामे बाटे लेकिन काम मतलब तन क्यों नहीं है। अभी पवन सिंह के एगो फिल्म को डायलॉग रहा है कि बाप रहे अनहरिया में बेटा के नाम पावर हाउस। तो हम तो वह कहम कि पवन सिंह के फिल्म चले वोले कुछ ना और टेलर बने के दुनिया भर के भाव कहाल बाटे। जैसे कि देखे ये फिल्म रिलीज भइल हवे थिएटर में बॉस लेकिन हम वर्तमान बलिया के बनी बलिया में खुद ही फिल्म नहीं रिलीज भइल मतलब इतना विडम्बना और खाली मतलब देख रहे स्क्रीन शॉट आनंद मंदिर के अलावा बॉस फिल्म और ही कहीं रिलीज अगर उत्तर प्रदेश में भइल हो एक कतहीं से भी सोशल मीडिया क्लू या सोशल मीडिया फोटो या ऐसा कुछ भी चीज़ नहीं खे मतलब इतना बड़का फिल्म होते हुए इतना बड़े बड़े डांग का पिटाइला के बाद भी मतलब बॉलीवुड के स्टार घुसैला के बाद भी एह लोग के फिल्म धरे के धरे रह जाती है। तो सोचो एह लोग के अस्तित्व का बा और का बाटे एह लोग के पहचान मतलब विडम्बना बाटे जौन कि भोजपुरी भाषी क्षेत्र में एह लोग के फिल्म के ई दशा बाटे तो बिना भाषा वाला क्षेत्र में का दशा हो तो कि हमके सोच के भी थोड़ा सा अजीब और गजीब लगत। इससे बढ़िया तो वो तमिल तेलुगु वाला मतलब छोटा इंडस्ट्रीज वाला स्टार लोग बाटे कि जब वह लोग फिल्म आवेला तो गर्दा कर देला जैसे अभी जय भीम आयल बटे जो उनकी खूब ज़्यादा गर्दा कैले बा अमेजॉन प्राइम पर बा तब लोग वगैरह के देखेला व्याकुल बढ़ और वो चीज़ के रियलिटी चीज़ कैसे चीज़ के समझत रहन वो भी एगो यूनिक्स बटे। फाइनली मतलब बॉस के काम बॉस लेखा नहीं के खाली नामे बा बॉस काम सब उहे बाटे। चलिए हमने कहा अगला खबर तरह जी वो खबर बाटे अविनाश शाही के फिल्म से। तो अविनाश शाही के फिल्म पिया पिया बोले जिया हाँ फिल्म के नाम बा पिया पिया बोले जिया ये फिल्म के शूटिंग चालू कर गया। हाँ दरअसल ये फिल्म के मुहूर्त के साथ साथ ही ये फिल्म के शूटिंग भी चालू कर गया। अब भोजपुरी के सिनेमा के लोग भी ये चीज़ के अब समझ चुकल बढ़ कि मुहूर्त क के बला आइटा के आ 10-20-50 हज़ार खर्चा क के आ टेलरबाजी कर बढ़िया बटे कि एक दिन बुलाओ पूजा पाठ करो और शूटिंग भी चालू करिए दो। तो फाइनली पिया पिया बोले जिया के शूटिंग लगभग चालू कर दिल गए बिया मुहूर्त के साथ ही। और तो और ये फिल्म एगो फुल लव स्टोरी और रोमांटिक और कमाल के होके वाली है। दरअसल अविनाश शाही कोनो परिचय के मोहताज नहीं खी और वो मतलब भोजपुरी सिनेमा के बहुत पुरान आर्टिस्ट हैं लेकिन आजकल भी
अपन स्टारडम पावे खातिर लगातार स्ट्रगल कर रहा बनी। इस सोच के इस देख के थोड़ा सा बहुत ही दुख फील होला कि मतलब एगो अनुभवी कलाकार के भी आज गवई स्टार लोग कैसे धक्का मार के पीछे ढकेल दिल बढ़ जाए, और एगो एज ए आर्टिस्ट ओकर जीवन के का हाल बाटे कैसे बाटे, थोड़ा सा अजीब और गजीब लागल। फिर भी अविनाश साहिब फिल्म पर फिल्म करिए रहल बड़न, कौन ऐसा नहीं कि घरे बैठ के प्याज छिलत रहा। तो फाइनली फिल्म के निर्माता बड़ा राजेश शुक्ला और एक डायरेक्ट कर बड़न जावेद। अब जावेद का अविनाश साई के फिर से वापसी करा पावत रहन भोजपुरी के बड़का सिनेमा वाला पर्दा पर या ना, वो तो समय और वक्त ही बताए, अभी ऐसे कुछ भी कल हमारो ठीक नहीं खेला। तो फाइनली अगर हमने के में स्टार कास्ट की बात कर ली तो स्टार कास्ट में अविनाश साई, ज्योति मिश्रा, बालेश्वर सिंह, सी पी भट्ट, संतोष श्रीवास्तव, सत्य प्रकाश सिंह ये फिल्म के स्टार कास्ट में नजर आए वाला बड़ा जा और करे वाला बड़ा जा ढेरों सारा कमाल धमाल और माला माल। चलिए तब हमने अगला खबर की तरफ बढ़ ली, वो बाटे समर सिंह के फिल्म के सेट से कुछ किस लीजिए। दरअसल समर सिंह के एगो फिल्म शूटिंग चल रहा भैया, फिल्म के नाम बाटे ग्रेट भैया। हाँ तो ग्रेट भैया फिल्म के सेट से कुछ तो कमाल कमाल के तस्वीर देखे के मिलते ही बाटे, लेकिन काल कमाल के एगो घटना भी भवे। अब घटना एक ना कर ली, एक खुशी की लहर कर ली। एक्चुअली ग्रेट भाई भैया जी के सेट पर ही समर सिंह सोचवन की का है ना, एगो हमने के सेट के भाई जितना लोग बा, चाहे वो टेक्नीशियन हो को, चाहे स्टार कास्ट हो को या हो को मतलब जूनियर आर्टिस्ट, सब करा के समर सिंह अपना तरफ से दीपावली के ढेर सारा शुभकामना देते हुए भी वहाँ लोग के गिफ्ट दीवन। हाँ एक एगो चांदी के सिक्का और मिठाई सब करा के गिफ्ट दीवन, यानी समर सिंह का ये बड़ा दिल दरिया दिल देखौन चौना के भोजपुरी के हर एक बड़े बड़े स्टार लोग के ए तरह के देखा जाए। जैसे आवे वाला कल में स्टार लोग चाहे स्टारडम जेके जेके मिल बात वो कुछ सीखी और कुछ लोगों के प्रेरणा दी जे इंडस्ट्रीज में लगातार ग्रो करत करत और अच्छा अच्छा लोग भी एंट्री मर हैं। तो इस समर सिंह के बहुत ही सराहनीय चीज़ बटे जौना के देख के भी बहुत ही अच्छा लागत बटे। फाइनली उनका शूटिंग अभी कम्प्लीट नहीं है भैया, ग्रेट भैया एकदम चल रहा भैया और कमाल के वो लुक में दिखाई दे भी रहा। तो चलिए अब हमने के अगला खबर की तरफ बढ़ ली, वो बाटे फिल्म मिलन। हाँ मिलन फिल्म के पोस्टर देख रहा बनी जौना में चाचा ऐसन उमिर के एक जना हीरो बड़न, मतलब कमाल बटे और कमाल बटे। फिल्म के नाम बा मिलन, मतलब लव स्टोरी वाला मिलन वाली फिल्म में चाचा उमिर के हीरो बड़न, तो थोड़ा सा हमरों के सोच के अजीब लागत। अभी पोस्टर में चाचा नहीं देखे के मिलते रहन, चाचा के बड़का चाचा बड़न कुणाल सिंह बड़न, ओकर बाद से बालेश्वर सिंह बड़न, हीरोइन बड़ी मनी भट्टाचार्य। अब चाचा ऐसा उम्र के हीरो मतलब हीरो में अब मनी भट्टाचार्य जैसा हीरोइन कितना बढ़िया लगी है और कितना बढ़िया ना लगी है। वो तो भैया ये फिल्म के जब ट्रेलर आई या फिल्म आई तो रवा लोग देख के भी पता कर ले। अब देखिए साउथ के मेकिंग के आधार पर तनि मनी टेक्निकल वो लोग के समझ में उतना ना आदमी इफेक्ट डाल पावेला, लेकिन भोजपुरी में टेक्निकल के बहुत बड़का फॉल्ट रहला। तो का वो फॉल्ट के मतलब दरकिनार करके ए फिल्म के रिलीज कर ली और लोग देख के खुश हो किया या मन भर चाचा के सुना दिया, वो तो समय और वक्त ही बताए। फाइनली फिल्म अगर देखे तो निर्माता बानी शारदा सिंह और एक डायरेक्ट कर बनी आनंद सिंह। आनंद सिंह की फिल्म कितना सुंदर और कितना कमाल के बनाइए वो तो वक्त है बताए। फाइनली मैं कुंडा अगर देखा जाए तो कुणाल सिंह, मणि भट्टाचार्य, बालेश्वर सिंह और अंकल जैसन चाचा ऐसन हीरो बड़न। बाकी अब हमने के अगला खबर की तरफ बढ़ ली, वो बाटे क्रिकेट वाला। एक्चुअली देखिए क्रिकेट में कल बहुत ही यूनिक्स वाला खेल भवे और बहुत ही मजा हुए। दरअसल कल ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के बीच में मैच भवे। ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करते वक्त 157 रन बना दिए हुए 7 विकेट पर 20 ओवर में, वही जगह 111 मीटर के लंबा छक्का अंधरे रसल भी मरले रहे। ओकर बाद से ऑस्ट्रेलिया जब बैटिंग करे उतरवे तो ऑस्ट्रेलिया के तरफ से डेविड वार्नर गर्दा कर दीवन मरदे। ई दूसरका उनकर मैच है जोन में वो गर्दा कैले बड़न, लगभग अकेले 80 रन पार बना दीवन और ऑस्ट्रेलिया का आसानी से 16.2 गेंद में जिता दीवन। फाइनली ऑस्ट्रेलिया 161 रन बनाए 2 विकेट पर और 8 विकेट से ई मैच के जीत लेवे। ओकर बाद साझी का ना मैच चालू भवे साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के, वही जगह साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग करते वक्त बना दिए हुए 189 रन 2 विकेट पर ही गर्दा कर दिए हुए 20 ओवर में। ओकर बाद से इंग्लैंड जब बैटिंग करे उतर हुए तो इंग्लैंड भी अच्छा खेलत 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 जा 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 के
अंत में ओहलो से 14 रन ना बन पाए। सही बताओ तो अंत में 14 रन ना बन पाए, जौन कि ठीक 17वां ओवर में रबड़ा के तीन गो गेंद पर तीन गो हैट्रिक छक्का लगुए। वही जो रबड़ा जब अंतिम ओवर लेके हुए तो तीन विकेट ली हुए तीन गेंद पर और आसानी से इंग्लैंड मैच के हार गए और साउथ अफ्रीका 179 रन मात्र बना पाए और 10 रन से मैच साउथ अफ्रीका जीत ली हुए और इंग्लैंड हार गए। फिर भी इंग्लैंड क्वालिफाई कर ले बटे और सेमीफाइनल वह खेली, साउथ अफ्रीका जीत के भी बाहर हो गए बटे। लेकिन आज मैच कुछ अलग बटे, आज मैच बाटे अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के। न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के ऊपर भारत के एकदम निगाह टिकल बटे कि अगर न्यूजीलैंड हार गुल तो भारत आसानी से घुस जाई सेमी फाइनल खेले खातिर, लेकिन न्यूजीलैंड जीत गुल तो भारत जीत के भी घरे आ जाई आसानी से। तो 3:30 बजे मैच बा, ए पर सबसे बड़ा निगाह बटे। ओकर बाद साझी खाना मैच बटे पाकिस्तान और स्कॉटलैंड के। अब देखे के बटे कि पाकिस्तान का अपन अंतिमो मैच हारे ले या एहू के जिस के जत्न जश नहीं मनाई, ये बटे 7:30 बजे समय। तो चलिए आज के हमने के एल्बम के बारे में बात करें। दरअसल आज के एल्बम कमाल के बटे। दरअसल आज शिल्पी राज के एगो ना तीन गो छठ गीत रिलीज भइल बटे। पहला उनका गाना बहुत ही खूबसूरत बा, जौन पारंपरिक गाना बटे और कमाल्स के बटे, यूनिक अंदाज बटे। दरअसल उनका गाना बटे जाहूँ जाहूँ भैया मोरा, मतलब ये पारंपरिक गाना मतलब सुन के मजा आ जी, दिल झकझोर देत बटे और सीन भी बहुत ही खूबसूरत बनावल गई बटे, मजा आ जात बटे देख के ये गाना के। फाइनली अगर गीत लिखल वाला विजय चौहान ही और शिल्पी राज की आवाज़ में ये गाना बहुत ही डबल धमाल वाला हो जात बा। ओकर बाद से शिल्पी राज के एगो और ही गाना रिलीज भइल बटे जौन में अमरपाली और निरहुआ एक्ट कैले बड़न जा। हाँ, एकलौता शिल्पी राज के गावल गाना में निरहुआ और अमरपाली एक्ट कैले बड़न जा। निरहुआ हिंदुस्तानी एंटरटेनमेंट पर रिलीज भी भइल बटे, मतलब कमाल के गाना बटे। अब ऐसे अंदाजा लगा सकत अंजा के शिल्पी राज के जौन कद बटे कितना बड़ा भइल बटे। तो फाइनली शिल्पी राज के ई गाना के दिनेश लाल निरहुआ और अमरपाली एक्ट कैले बड़न जा, तो गाना ऐसे ही कमाल के बटे, सुंदर बटे। जौन गाना के बोल बा दौरा में दिया बारह बलम, दौरा में दिया बारह बलम, कमाल के ई भी गीत बा। ओकर बाद से एगो और शिल्पी राज के गीत रिलीज भइल बा जौन में रानी एक्ट कैले बड़ी और वो भी गाना कमाल के बाटे। दरअसल कैसे वियोग वाला गाना बाटे कि कोनो पति कार्तिक, मतलब कार्तिक में ही छठ के मनावल जाला, कार्तिक आवते ही कैसे पति विदेश जात रटे मतलब शहर कमाए तो ओकरा के केंग ने रोकत तरी। ई बहुत ही यूनिक्स वाला मतलब सब्जेक्ट पर गाना बाटे। गाना के बोल बा कार्तिकवा आयो रे, मतलब कार्तिक आयल बटे रउआ बाहर मत जाई घरे रही छठ मनावल जी, ई कैल जी ऊ कैल जी और अच्छा से रहल जी। ओकर बाद से आज एगो और ही गीत रिलीज भइल बटे, ऊ बटे अंतरा सिंह प्रियंका के। अंतरा सिंह प्रियंका और शिल्पी राज में अगर दोनों जाने में टक्कर करावल जाए तो अंतरा सिंह प्रियंका पानी भरत नजर आई हन, एकदम साफ साफ नजर आ रहा। फाइनली अंतरा सिंह प्रियंका के गरीब के छठ मुद्दा बहुत बढ़िया बटे, लेकिन गाना में तो ना कि लॉजिक नहीं खियावत, फील नहीं खियावत, ऊ दर्द नहीं खियावत सुन के, सही बताओ तो। तो फाइनली गाना एकदम खाड़ खाड़ बा, मजा ऊ नहीं खियावत। बाकी खुद अंतरा सिंह प्रियंका ही एक्ट कैले बड़ी एगो विधवा के रोल में और अच्छा करे के कोशिश कैले बड़ी, लेकिन आवाज़ में उदर्द नहीं के झलक पा, बाकी बहुत ही सुंदर ही कहली। तो फाइनली आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही, और वहाँ सबसे भी है कम कि देखत रही जा न्यूज़ तक भोजपुरी, बाकी हम जीत।